मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी पुलिस ने 16 साल के योगेश रवि शर्मा की हत्या कर दफन करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नारपुरी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 25 नवंबर को उसके दोस्तों ने पुराने विवाद को सुलझाने के लिए योगेश को बुलाया था और इसी दौरान इनके बीच में विवाद हो गया, हाथापाई होने लगी और इन आरोपियों ने अपने ही दोस्त योगेश रवि शर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर खाड़ी किनारे ज़मीन खोदकर दफन करके फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने अब इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जो आरोपी किए गए हैं उनकी पहचान आयुष झा, मनोज नारायण टोपे, संतोष सत्यनारायण तातिपा मूल और अनिकेत तुकाराम खरात, इसके अलावा शिवाजी धनराज माने के रूप में इनकी पहचान हुई है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। पुली पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर को एक 363 का मामला दर्ज हुआ था जिसमें 16 साल का बच्चा मिसिंग था। वो पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद पुलिस स्टेशन के सीनियर PI कामत साहब, उन्होंने डिटेक्शन के जो 2 टीम थी वो तैयार की थी और उसके साथ और 2 ऑफिसर, ऐसे कुल मिला के 4 टीम तैयार की गई थी उसको ढूंढने के लिए। और उसका मिसिंग का तपास करने के बाद जब तपास चल रहा था उसमें कुछ हमें सस्पेक्ट नंबर मिले थे और कुछ सस्पेक्ट के नाम भी मिले थे। वो तपास चालू था और जिसमें ये तपास करने के बाद ऐसा रिवील हुआ कि जो मयत है जिसका नाम योगेश शर्मा है, जिसकी उम्र 16 साल है, उसका 6 महीने पहले वो जो एरिया में रहता था वही एरिया के कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा सुलझाने के लिए उसी दिन 25 तारीख को वो योगेश शर्मा है उनको, ये जो सस्पेक्ट आरोपी है, उन्होंने कॉल करके बुलाया और बोले जो 6 महीने पहले जो हमारा विवाद हुआ है वो सुलझाने के बहाने उनको वहाँ पे बुलाया। और वहाँ पे बुलाने के बाद घटनास्थल पे उनसे कुछ हाथापाई हुई, मारपीट हुई और उनको चाकू से वार किए गए और उसमें उनको मारने के बाद जो वहाँ पे जो सस्पेक्ट आरोपी थे उन्होंने उनको वहाँ पे एक गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया गया। और जब ये हमने 3 आरोपियों को पहले अरेस्ट किया था, उन्होंने उसके स्टेटमेंट में ये सब बातें बताई है और इसी के तहत फिर नारपुली पुलिस स्टेशन में मर्डर का गुनाह दाखिल हुआ है। इसमें अब तक 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इसमें और भी आरोपी होने की संभावना है, आगे की जांच पुलिस कर रही है। सर, झगड़े का कारण क्या था, क्या वजह थी? 6 महीने पहले जो मयत था उनका, ये जो आरोपी है, उनसे झगड़ा हुआ था और वही झगड़े के सिलसिले में वो सुलझाने के लिए वो जो विवाद हुआ था, बात पे झगड़ा हुआ था नहीं, वो मतलब अभी प्राइमरी स्टेज पे है, वो पता चलेगा कि इसका क्या कारण है, किस कारण उनका झगड़ा हुआ था। उस बारे में हम छानबीन कर रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट से। ये तो पता चल रहा है कि वो जो विक्टिम जो है वो दुर्लभ कौशप को फॉलो कर रहा था, वो 16 साल का बच्चा है, तो आगे सोशल मीडिया अकाउंट और उसका मोबाइल का वेरिफिकेशन हम करेंगे।